विवेक तन्खा मध्य प्रदेश या कहें कि पूरे देश में एक ऐसे राजनेता के रूप में दिखाई देते हैं जो सिद्धांतों की राजनीति में भरोसा करते हैं। देश की सियासत में वो उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो देश के लोकतंत्री बदलती तस्वीर पर बारीक नजर रखते हैं और मौका आने पर अपनी पार्टी को भी आईना दिखाने से नहीं चूकते। उनके जन्मदिन पर एक नजर उनकी शख्सियत पर। सियासत के इस मौजूदा दौर में जब सिद्धांत और आदर्श एक तरफ रख दिए गए हैं, कुछ चेहरे हैं जो लोगों और समाज की उम्मीद को बांधे रखते हैं और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का। सियासत में आना सामाजिक सरोकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। विवेक तन्खा ना तो किसी पद की दौड़ में है और ना ही कभी उन्होंने सियासत को इसका जरिया ही बनने दिया है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी ना तो क्वेश्चन से डरता हूं फेस करने में, ना झूठ बोलता हूं जी। मैंने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं है। मेरी सोच किसी पद और पोजीशन की कभी नहीं थी। पद और पोजीशन खाली एक माध्यम होता है अच्छे काम का। मेरी सोच यह है कि कांग्रेस एक जन सेवा की पार्टी बने। अच्छे प्रोफेशन से जुड़े लोगों की सियासत में बेरुखी ने हमारे सिस्टम में कई दिक्कतें बढ़ाई हैं। ऐसे में विवेक तन्खा जैसे सफल कानूनविद सियासत में समाज के भरोसे को बढ़ाते हैं। दांव पेंचों से भरी सियासत में भी वो एक नई संस्कृति के प्रेरणेता कहे जा सकते हैं। यही वजह है कि अपनी पार्टी में भी वो सर्वस्वीकार है। सोसाइटी में जो एक डिग्रेडेशन आया, सोसाइटी में जो गिरावट आई, उसका ये एक पार्ट था। और जब तक सोसाइटी का हम अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ें उससे हटके नहीं होंगी। अगर हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि मेरी पर्सनल काम कर दो तो तुम बहुत अच्छे एमपी हो, चाहे तुम पब्लिक का कुछ ना करो, तो ये जब तक सोच नहीं बदलेगी। आपको ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति पब्लिक की सोच का है कि व्यक्ति की सोच का है। व्यक्ति की सोच का व्यक्ति खाली पॉलिटिक्स कर रहा है और पब्लिक की सोच का व्यक्ति जनहित कर रहा है। तो मैं जनहित की परिभाषा बदलना चाहता हूं पॉलिटिक्स में, और वो सर्विस से आएगी। सामाजिक क्षेत्र से राजनीति में प्रवेश करने वाली पेशे से वकील राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा का जन्म 21 सितंबर 1956 को रीवा में हुआ था। जस्टिस आर के तन्खा के पुत्र विवेक तन्खा ने 1979 में अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 16 फरवरी 1999 को वे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता बनाए गए। उन्होंने 15 नवंबर 2003 तक ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसको पिताजी के जाने के बाद से एकदम से बहुत वो आया, क्या कहना चाहिए, सेटबैक आ गया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। जब वो पढ़ता था तो वो लॉ के फाइनल ईयर में था, तभी उसके फादर की डेथ हो गई। तो उसने अपने एफर्ट से पढ़ा, अपने एफर्ट से वकालत करी, अपने खर्च से नाम करा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विवादित मसलों को सुलझाने में भी विवेक तन्खा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनीति में उन्होंने बतौर अधिवक्ता कांग्रेस को शक्ति प्रदान की है। इसके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे पदों पर भी वो काम कर चुके हैं। राजनीतिक दक्षता के अलावा तन्खा रोटरी क्लब शिवखेड़ा के कंट्री फर्स्ट कैंपेन से जुड़कर समाज सेवा और स्पेशल चाइल्ड्स के लिए तन्खा मेमोरियल स्कूल का भी संचालन करते हैं। पेशे से तो मैं वकील हूँ और वकालत को इंजॉय भी करता हूँ, और मेरी ताकत भी मेरी वकालत है। बिल्कुल। बट उस ताकत का फिर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ फॉर सोशल गुड। दिस इज हाउ रोटरी को मैंने एक माध्यम समझा। रोटरी क्योंकि ये बातों को अप्रिशिएट भी करती है, रोटरी का ये एक प्रोग्राम भी है,
और इससे एक बहुत बड़ा संख्या में लोग जुड़ते भी हैं। हम उन तक पहुंचना चाहते हैं जहां लोग वो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे। और उन जैसा सहृदय इंसान मैंने अपने इस पूरे जीवन में नहीं देखा, या आप कह लें गरीबों के मसीहा के रूप में हम उनको कह सकते हैं। दिव्यांग जनों के लिए जिन्होंने काम किए, बहुत हौसले वाली बात थी कि इस फील्ड में उन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपना जीवन तर्पण किया कि मैं गरीब बच्चों और विकलांग जनों के लिए ऐसा कार्य करूंगा कि उनके जीवन में खुशियों का समावेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए वो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और शहडोल के जिला अस्पतालों में स्थित रोटरी ब्लड बैंक को 50-50 लाख की सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भूकंप से लेकर साइक्लोन तक जैसी प्राकृतिक आपदाओं में उजड़े लोगों के लिए विवेक तनखा हमेशा से ही बड़े मददगार के रूप में मौजूद रहे हैं। जबलपुर से लेकर ओडिशा तक उनकी इस संवेदना के प्रमाण देखे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में भी समाज सेवा से जुड़ी कई योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं। एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर दिया है, रोटरी राहत मेडिकल मिशन, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा। हमारे पास 38 रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 2 लाख रोटेरियंस हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में, जैसे हमने मंडला में कैंप किया था, छोटा बड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा, कैंप्स लगें। और कोविड ज़रूर 2 साल से था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो वो दूसरी बीमारियों के लोग जो आज भी उसमें, बहुत सारी डेथ्स भी उनसे हुई होंगी, तो उनको ढूंढें, उनका इलाज करवाएं। दूसरा, हम 1 लाख बच्चों को टैब और फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, उसका भी हम लोग एक स्कीम बना रहे हैं सब एनजीओ के साथ मिलके। आइडिया ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आर्मी सोल्जर्स हमारे, जो नक्सलाइट और इंसर्जेंसीज में डेथ होती है लोगों की, बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, इन बच्चों को, 1 लाख बच्चों को हम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद अ टैब देना चाहते हैं। पिछले कई सालों से हाशिए पर धकेल दिए गए महाकौशल को भी विवेक तनखा के रूप में एक आवाज मिली है जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक उसके लिए गूंजती है, और इस आवाज का असर भी दिखने लगा है। उनकी कोशिशों से महाकौशल में कई अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। मुझे जबलपुर शहर से और जबलपुर की इस संसदीय क्षेत्र की जनता से प्रेम है जी। और ये जो स्वयं प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है, ये प्रेम आज का प्रेम नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, जब से होश संभाला है, मैं इस शहर के बारे में सोचता रहा हूँ और ये बात पूरा शहर जानता है। विवेक तनखा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन गिने चुने सियासतदानों में से एक हैं जो देश में सिद्धांतों में रची बसी साफ सुथरी सियासत के हिमायती रहे हैं। वो मानते हैं कि आवाम लगातार समझदार हो रही है और सियासी पार्टियों को भी उसके मुताबिक बदलना होगा। रीजनल स्टेट्स में रीजनलिज्म रहेगा और सेंटर में नेशनलिज्म दिख रहा है आज की स्थिति में। ये बड़ा हेडी एडमिक्स है, ये कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ चल रहा है इस देश में, तो हमको सेंटर में नेशनलिज्म का पार्ट बनना पड़ेगा और स्टेट में रीजनलिज्म का पार्ट बनना पड़ेगा। और ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं हर पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। विवेक तनखा हमेशा से आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते रहे हैं। जाहिर है उनके मन में उभरते भारत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। As I said, what is the idea of India? Idea of India is under challenge or under at least debate. तो इस idea of India की debate में जब हमारा एक perception public को पसंद आएगा और वो तब आ सकता है जब आपका idea of India services से जुड़े, selfless service से जुड़े। देखिए, जो selfless service करेगा उसका आइडिया ऑलवेज रिस्पेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। विवेक तनखा न केवल देश और उसकी सियासत को विचारवान और प्रगतिशील बनाने के हिमायती हैं, बल्कि बड़ी साफगोई से वो अपनी पार्टी कांग्रेस में भी सुधार के पक्षधर हैं। वो पार्टी की कमी को बड़ी बेबाकी से सार्वजनिक मंचों पर भी रखते रहे हैं। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं कांग्रेस और बीजेपी को सेम चश्मे से देख रहा हूँ।
दोनों जगह देर इज अ नीड फॉर चेंज ऑफ नैरेटिव. क्या होता है कि देर इज एक एलिमेंट ऑफ फेटीग होता है, थकान पॉलिटिक्स में. और थकान को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक चेंज, एक नैरेटिव का चेंज लाना चाहिए. बड़ी बात कर रहे हैं जी. और ये नैरेटिव का चेंज ना तो मैं बीजेपी में देख रहा हूँ इस वक्त और ना कांग्रेस में देख रहा हूँ. जी जी जी. कुल मिलाकर विवेक तनखा जैसा व्यक्तित्व जब सियासत को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है तो ये समाज की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे व्यक्तित्व का न केवल मजबूती से हाथ थामे बल्कि उसे प्रेरित भी करता रहे. विवेक तनखा आज वो नाम है जिसे लोग सियासी मतभेद से ऊपर उठकर